उदयपुर की बात कर लेते हैं, जहां कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। हत्या के आरोप में एनआईए ने मोहसिन नाम के एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहसिन को लेकर एनआईए की टीम जयपुर पहुंच गई। अब तक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मोहसिन पर भी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जाने का शक जताया जा रहा है। तो कन्हैयालाल के मर्डर की बात अगर की जाए तो सड़कों पर लोगों का एक तरफ गुस्सा दिख रहा है, तो वहीं अब इस पूरे मामले में सियासत ने भी उबाल लेना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने इसके बहाने गहलोत सरकार को एक बार फिर से घेरा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उदयपुर में कन्हैयालाल के परिजनों से मुलाकात की और मिलने के बाद अशोक गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही पूर्व सीएम ने कन्हैयालाल के हत्यारों के लिए फांसी की सजा की मांग की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी सीएम अशोक गहलोत पर सवाल खड़े किए। इसी बीच एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि कन्हैयालाल के हत्यारों रियाज और गौस के साथ साथ कई लोग ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान गए थे। अब एनआईए इस पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी हुई है, पता लगा रही है कि कौन कौन लोग थे जो पाकिस्तान गए थे ट्रेनिंग लेकर आए थे। ऐसे लोगों को फांसी दिलवाने की जरूरत है। उदयपुर में कन्हैयालाल की बर्बरता से हुई हत्या के 8 दिन बाद भी न तो लोगों का गुस्सा थम रहा है, न ही इस मामले में सियासी उबाल कम हो रहा है। सोमवार को कर्फ्यू में ढील मिलते ही कन्हैयालाल के घर स्थानीय लोगों के साथ बीजेपी के नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे तक कन्हैयालाल के घर पहुंचे और परिवार वालों को ढांढस बंधाया और प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। वसुंधरा राजे ने कहा कि अगर पुलिस कन्हैया को समय से सुरक्षा दे देती तो शायद ऐसी जघन्य वारदात नहीं होती। वसुंधरा ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की। ऐसे लोगों को फांसी दिलवाने की जरूरत है, तो मैं समझती हूँ कि जल्दी से जल्दी थ्रू कोर्ट इस मामले को राइट लेवल पे लाने की जरूरत है और ऐसे लोगों को फांसी दिलवाने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने उदयपुर की वारदात के पीछे गहलोत सरकार की मानसिकता को जिम्मेदार ठहराया। शेखावत ने गहलोत सरकार पर ऐसे तत्वों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि पोस्ट डालने वालों को तो जेल में डालते हैं, लेकिन सरेआम काटने की धमकी देने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। एक पोस्ट डालने पर एक व्यक्ति को उठा करके तुरंत जेल के सीखचों के पीछे डाल दिया जाए और खुलेआम ऐलानिया धमकी देने वाले व्यक्ति जो पुलिस की प्रेजेंस में धमकी दे रहा है कि जीभ काट देंगे, शरीर काट देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाए, उसको मुकदमा दर्ज होने के बाद में भी 10 दिन तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाए और जिस तरह से गिरफ्तार किया जाए उसका वीडियो और गिरफ्तार करने के बाद में उसको जिस तरह से ले जाकर के घर छोड़ा गया, उन दोनों के वीडियो को देखेंगे तो ये मानसिकता इस बात को प्रदर्शित करती है कि इस तरह के लोगों को, इस तरह की मानसिकता को अपने वोट बैंक को साधने के हित में कौन प्रश्रय दे रहा है। इस बीच कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए की जाँच जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई नए मामले भी सामने आ रहे हैं। वसीम अत्तारी और गौस मोहम्मद की एक साथ तस्वीर भी सामने आई। जांच एजेंसियों की पूछताछ में पता चला कि कन्हैयालाल की हत्या करने वाले गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी के साथ वसीम अत्तारी भी 2014 में पाकिस्तान गया था और वहां तीनों ने एक साथ ट्रेनिंग ली। ये तीनों पाकिस्तानी संगठन दावत इस्लामी से जुड़े हैं। जांच में ये भी पता चला है कि कन्हैया के कातिल रियाज और गौस 8 व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे। इन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उनकी नजर ऐसे लोगों पर होती थी जिन्हें इस्लाम के नाम पर बरगला कर साथ जोड़ा जा सके। वसीम की कोशिश थी कि वो उदयपुर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को दावत इस्लामी से जोड़े ताकि ऐसी वारदात को अंजाम दिया जा सके। एनआईए से मिले इनपुट के आधार पर एटीएस और पुलिस की टीम ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ में आगे और कई खुलासे हो सकते हैं। इस बीच एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली उनमें केवल गौस और रियाज ही नहीं बल्कि 30 लोग पाकिस्तान गए और उनके ब्रेन वॉश किए गए। इन्हीं में से एक शख्स वसीम भी है जिसे एनआईए के टिप पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कन्हैयालाल हत्याकांड में अब एनआईए एक एक करके सारी कड़ियों को जोड़ रही है कि इस हत्याकांड में कितने लोग शामिल थे और कैसे इसकी पूरी प्लानिंग की गई। अब तक एनआईए ने गौस मोहम्मद और रियाज अत्तर इन दोनों को तो गिरफ्तार कर ही लिया है, इसके साथ साथ मोहसिन और आसिफ भी एनआईए की गिरफ्त में है। वहीं इसके साथ साथ अब 4 और लोगों को कल डिटेन किया गया जो कि जिनको एनआईए यहां से लेकर गई है और उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें से एक शख्स वसीम अत्तारी भी है। वसीम अत्तारी
रही कि इस वक्त उसी घर के दरवाजे के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। घर पर ताला लगा हुआ है, घर पर इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है और ये एक किराए के घर में दरअसल खांजीपीर इलाके में रहता था अपने परिवार के साथ, अपनी बीवी और बच्चों के साथ। हालांकि जिस दिन से ये घटना हुई है उस दिन से इस घर पर ताला लटका हुआ है, घर पर कोई भी मौजूद नहीं है। वही मकान मालिक से जो बात करके हमें पता चला है कि वसीम अत्तारी जिस दिन ये घटना हुई उस दिन लगभग 4-4:30 बजे के आसपास यहां पर घर के नीचे मौजूद था। मकान मालिक ने उससे पूछा कि बाजार में इस तरीके का माहौल बना है, तो वसीम ने कहा कि वो पता करता है लेकिन उसके बाद जब से घर में ताला लगा तब से घर में कोई भी नहीं आया है। हालांकि पुलिस पूछताछ के लिए आई थी लेकिन वसीम अत्तारी को एनआईए के इनपुट्स पर एटीएस ने सबसे पहले कल डिटेन किया, उसके बाद अब ये दोनों एनआईए की कस्टडी में है और एनआईए इनसे पूछताछ कर रही है। वहीं वसीम अत्तारी पर आरोप है कि वसीम अत्तारी भी गौस मोहम्मद के साथ 2013 में पाकिस्तान गया था और वहां पर जाकर गौस मोहम्मद के साथ वसीम अत्तारी और 30 और लोगों ने भी ट्रेनिंग ली थी। अब इन 30 लोगों की कड़ियों को एनआईए जोड़ रही है, इन 30 लोगों की तलाश की जा रही है। खुलासे चौंकाने वाले हैं। अब रेडार पर वो पूरी टीम आ गई है जो पाकिस्तान गई थी और जिसका प्लान हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर नफरत फैलाना था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।